हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं टिकट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है क्लूसी वाई की तरफ से उनके एक ईयरबड्स। दोस्तों, T4 इसका मॉडल नंबर है और भाई यहां पर आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं तो हमारे पास थोड़ा लेट आए, थोड़ा नहीं यार काफी लेट ही आए, तो फिर भी आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। और दोस्तों, इसकी बैटरी लाइफ, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी और भाई यहां पर मैं आपको बताता चलूं, QCY की एक ऐप है ईयरबड्स के लिए, तो उसके साथ भी आप इस ईयरबड्स को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यही सब चीजों का आज हम देखेंगे और एक मजेदार सा रिव्यू करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके बटन कंट्रोल्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके म्यूजिक को आप किस तरह से ऐप के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यही सारी चीजों का आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो QCY T4 का ये बॉक्स है और बॉक्स बिल्कुल आपको सादा से ही मिलता है क्योंकि इस तरह के ये बॉक्स में आते हैं। ऊपर आप ये देखेंगे QCY लिखा गया है, नीचे इसका मॉडल T4 लिखा गया है और साइड में TWS ब्लूटूथ ईयरबड्स लिखा गया है। तो इसके कवर को हम हटा लेते हैं तो बिल्कुल आप ये देखेंगे, बिल्कुल आपको ये थका हुआ सा बॉक्स मिल जाता है। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ आप ये देखेंगे तो इस तरह से आपको रखी हुई चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको एक मैनुअल गाइड मिल जाती है, फिर आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं। तो ये हम हटाते हैं इसके प्लास्टिक को, तो आप देखेंगे QCY इसके ऊपर लिखा गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। पहले एक आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है और भाई ये चार्जिंग केबल माइक्रो USB की है। 2 पेयर इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एयर कप्स मिल जाते हैं, तो आप अपने कानों के हिसाब से इनको लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो हम अब आ गए अपनी मेन चीज की तरफ। तो ये आप ये देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा ये आपको चार्जिंग केस मिल जाता है और काफी स्मॉल सा ये साइज है, छोटू सा ये बनाया गया है। बैक साइड पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है और नीचे भी आपको यहाँ पर ये देखेंगे कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसको हम छोड़ते हैं, अपने केस को हम ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको ये रखे हुए ईयरबड्स मिल जाते हैं। ईयरबड्स को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो केस की क्वालिटी जो है काफी मुझे अच्छी लग रही है और बिल्ड क्वालिटी इसकी मुझे पसंद आई है। ईयरबड्स में आपको दिखाता चलूं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो भाई इसका जो साइज है वो ईयरबड्स दूसरे ईयरबड्स से थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, थोड़े से ये मोटू से हैं, तो ये आप ये देख सकते हैं। और ये आप ये देखेंगे तो ये आपस में पेयर भी हो चुके हैं और ये आप ये देखेंगे तो यहाँ भी QCY लिखा गया है और भाई ये बटन आप लोगों को मिलते हैं, तो इसके ऊपर आपको टच सिस्टम नहीं मिलता, तो ये बटन इसके ऊपर लगाए गए, तो बटन से ही आप अपने चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ये डिजाइन मिल जाता है और लाइट वेट तो है ये काफी, तो लेकिन यार इसका साइज मुझे जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब ये देखते हैं कि हमारे कानों में किस तरह से ये फिट होते हैं। तो चले इसके मैं आपको अपने फोन के साथ कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ और इसकी ऐप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो ब्लूटूथ मैंने ऑन कर लिया है और हम अपने ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं। तो भाई आप ये देख सकते हैं, तो QCY T4 हमारे फोन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे और फिर इसकी ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पॉपअप पे ये शो करा रहा है, तो T4 के नाम से ये हमारे ईयरबड्स आ गए और बाकी इसकी चार्जिंग परसेंटेज भी बता रहा है कि आपके ईयरबड्स में कितनी है, आपके केस के अंदर कितनी है। फिर यहां से आप इसकी मोर सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपके ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको फिर किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं तो वो मैं आपको जरा डिटेल में मैं बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अपने ईयरबड्स को इसकी ऐप के साथ इसके बटन्स को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और म्यूजिक वगैरह को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने म्यूजिक को ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने म्यूजिक को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा तो ऊपर इसकी चार्जिंग दिखा रहा है कि दोनों ईयरबड्स के अंदर 100% चार्जिंग है। उससे नीचे आप ये देखेंगे तो कस्टमाइज बटन फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है,
तो भाई यहाँ से आप बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं, ट्रिपल टेप के ऊपर क्या रखना चाहते हैं, डबल टेप के ऊपर आप क्या रखना चाहते हैं, वन टेप के ऊपर आप क्या रखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज को उसके ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे तो वन टेप के ऊपर प्लेन पोज और गेमिंग मोड मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गेमिंग मोड को हटा के यहाँ पर आप प्लेन पोज दोबारा ला सकते हैं, तो आप दोनों ईयरबड से जो है वो प्लेन पोज कर सकते हैं, लेकिन हमें गेमिंग बोर्ड भी चाहिए, तो यहाँ पर राइट वाले के ऊपर हम गेमिंग बोर्ड ले आते हैं। तो ये जब आप वन टेप के ऊपर वन टेप करेंगे राइट वाले से, तो आप गेमिंग मोड में चले जाएंगे, और लेफ्ट वाले से आप प्लेन पोज कर सकते हैं। नीचे आएंगे आप तो आपको डबल टेप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर स्किप ट्रैप का स्किप ट्रैक का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो आप नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं या वापस प्रीवियस सॉन्ग की तरफ आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से डबल टेप के ऊपर कर सकते हैं। और नीचे आप ये देखेंगे तो ट्रिपल टेप के ऊपर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं। अब आपने डबल टेप के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं यहां से। तो आप देखेंगे डबल टेप के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल आ गया, और यहां से हम इसको माइनस के ऊपर लाते हैं, तो डबल टेप के ऊपर आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, और नीचे ट्रिपल टेप के ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहां पर हम जो है वो स्किप ट्रैप का ऑप्शन ले आते हैं, तो ये आप ये देख सकते हैं। तो भाई इस ईयरबड्स के अंदर आप जैसे भी चाहें बटन्स को कंट्रोल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जहां भी आपने रखना चाहें तो वहां आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, अभी नीचे आप जाएंगे तो आपको यहां पर कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कॉल को जो रिजेक्ट वगैरह और कॉल को रिसीव कर सकते हैं। उससे नीचे आप आएंगे तो इक्वलाइजर का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, तो यहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे जब आएंगे आपको फाइंड हेडसेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो अपने हेडसेट की जो है लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो वो कहाँ है, तो वो यहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी लोकेशन आ जाएगी, तो लोकेशन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। उससे नीचे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, तो जब इसको सर्च करेंगे तो यहां पर आप अगर अपने हेडसेट कहीं भी जगह पर रख के भूल गए तो वहां आप करेंगे तो यहां पर आप ये देखेंगे तो बीप बीप की आवाज आ रही है, तो आप अब इस तरह से अपने हेडसेट को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जहां भी रखकर अगर ऐसा होता है कभी कि भूल गए तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, फिर इसको आप स्टॉप कर दें। फिर यहां से आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों यहां पर आप अपने म्यूजिक को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो म्यूजिक हमारा प्ले है और डिफॉल्ट सेटिंग पे आप लेना चाहते हैं, पॉप के ऊपर रखना चाहते हैं, बेस के ऊपर रखना चाहते हैं, रॉक, सॉफ्ट, क्लासिक, तो आपको छह ऑप्शन यहां पर मिल रहे हैं, तो आप कौन किस तरह से म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कौन से साउंड में, तो यहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप जैसे बेस के ऊपर लाएं तो यहां पर ऊपर ये देखेंगे तो यहां से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट सेटिंग है पॉप के ऊपर है तो पॉप यहां से आप इसको कस्टमाइज करेंगे। तो म्यूजिक जैसा, अब ऐसा नहीं है कि यहां पर भी ये फेक है, तो मैं म्यूजिक प्ले है तो जब मैं ऑप्शन चेंज करता हूं तो साउंड जो है वो चेंज हो जाता है, तो बेस के ऊपर लाता हूं तो बेस आ जाती है, और पॉप के ऊपर, तो हर तरह के जो म्यूजिक इसके ऊपर ऑप्शन दिए गए तो वो साउंड हमारा जो है वो चेंज हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं, तो आप इसके जरिए अपने बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो कहां आपने इसको टेप करके सिंगल टेप पे क्या रखना है, डबल टेप के ऊपर क्या रखना है, ट्रिपल टेप के ऊपर आपने क्या रखना है, तो वो सारी चीजें आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। म्यूजिक को भी आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं, हेडसेट को फाइंड कर सकते हैं, लोकेशन को, ये सारी चीजों का आप इसके ऐप के जरिए कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, साउंड क्वालिटी मैं आपको बताना चलूं बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन साउंड की क्वालिटी आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा डिसेंट मिल रही है। बेस भी इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यार साउंड मैंने सुना इसके ऊपर म्यूजिक वगैरह सुना तो साउंड की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, डिसेंट साउंड क्वालिटी आप इसको कह सकते हैं, कि ऐसा बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, लेकिन वोकल्स भी बहुत ज्यादा इसके अंदर क्लियर है। जब आप इसके ऊपर म्यूजिक सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर इंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसकी साउंड क्वालिटी पसंद आई है, तो काफी मैंने इसके ऊपर म्यूजिक सुना तो भाई बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर इंजॉय किया।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उसकी कॉलिंग फीचर का भी बता चलूँ। भाई कॉल क्वालिटी का जब तक मुझे भी पता नहीं चलता, जब तक मैं 3-4 लोगों को कॉल ना कर लूँ और उनसे ना पूछ लूँ, तो भाई मैं कॉल करके फिर बात करके उनसे पूछता हूँ कि यार मेरी आवाज कैसी आ रही है। तो मैं बताता हूँ ईयरबड्स के जरिए आप लोगों से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो भाई मुझे बताओ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, शोर आ रहा है, नॉइज आ रही है, किस तरह से आ रही है। तो भाई कॉल क्वालिटी का इसी तरह से मैं पता करता हूँ। तो भाई कॉल क्वालिटी भी जिसकी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, तो सामने वाले को जो है आप कॉल करेंगे तो आपकी जो आवाज है बहुत ज्यादा क्लियर जाने वाली है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बैटरी लाइफ का भी बताया चलूं, भाई इसके पावर केस के अंदर 380 एमएच की बैटरी लगाई गई है और इसके ईयरबड्स के अंदर आपको 43 एमएच की बैटरी मिल जाती है। और भाई वन चार्ज के ऊपर आपको ये जिन है, वन चार्ज के ऊपर आपको ये 4 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है। तो भाई एक चार्ज के ऊपर आप इसके ऊपर बैटरी बैकअप जो है वो 4 घंटे ले सकते हैं और 3 बार इसके अंदर रख के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो भाई आपको तकरीबन ये 15 से 16 घंटे का बैटरी बैकअप देगा और बैटरी बैकअप यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसका। तो वन चार्ज के ऊपर आपको 4 घंटे दे रहा है, तो यार 4 घंटे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इसकी बैटरी लाइफ है। दोस्तों यहां पर अब हम लास्ट में इसकी प्राइस की बात करेंगे। तो भाई यहां पर मैं आपको बता चलूं 3500 से लेके 4000 रुपए तक के आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको मैं Draz.pk का लिंक दे दूंगा, तो वहां इसकी जो प्राइस है वो 4000 रुपए लगी हुई है। और अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 3500 से लेके 4000 रुपए तक ये T4 आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से यार मुझे तो काफी ज्यादा ये अच्छे लगे हैं और ऐप के साथ इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो हर एक चीज इसके अंदर अच्छी है और आपको बटन मिलते हैं इसके अंदर, टच सिस्टम नहीं मिलता, तो ये तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीजें आप लोगों ने देख ली हैं। तो T4 QC/T4 आप लोगों को प्राइस के हिसाब से कैसे लगे तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट्स में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है। तो बस इसी के साथ आप लोगों से मैं अब जा चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।